आज मैं आपके साथ सिरका प्याज की रेसिपी शेयर करूंगी। बिल्कुल ढाबा स्टाइल हम सीखेंगे सिरका प्याज आप घर में कैसे बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप पानी गर्म करने के लिए रख दीजिए, तो एक पैन ले लें, इसमें डालें 1 कप के करीब पानी। तो 1 बड़ा कप मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया है। पानी जब इस तरह से बॉयल होने लगेगा, इसके बाद में गैस को ऑफ कर देंगे और इस पानी को ठंडा कर लेंगे। कम्प्लीटली ठंडा नहीं करना है, हल्का सा गुनगुना रहना चाहिए। अब यहाँ पर प्याज को छील लिया है मैंने, 7 से 8 प्याज लिए। आप जितनी क्वांटिटी में भी सिरका प्याज बनाना चाहें उतनी आप प्याज ले सकते हैं। यहाँ पर मैं लगभग 7 से 8 प्याज के लिए आपको सिरका प्याज बनाकर दिखा रही हूँ। तो ना तो बहुत ज्यादा बड़ी है प्याज, ना ही बहुत छोटी है, तो मीडियम साइज की आप बोल सकते हैं। लगभग 7 प्याज के करीब मैंने ली और इस तरह से मैं इसके 4 टुकड़े कर रही हूँ और इसको मैंने इस तरह से एक जार में कांच के डाल लिया है। तो कांच की जार में डालकर बनाएंगे तो ज्यादा अच्छा टेस्ट आएगा। आप चाहे तो प्लास्टिक का कोई भी कंटेनर भी ले सकते हैं। अब इसमें हम सिरका भर देंगे। तो मैंने सफेद सिरका लिया है जो कि हम नूडल्स चाउमीन के लिए यूज करते हैं। अब इसमें मैंने ऐड कर दिया है 1 चम्मच के करीब नमक, साथ ही इसमें थोड़ी सी शुगर भी जाएगी। शुगर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो लगभग आधी चम्मच के करीब आप इसमें शुगर ऐड कर दें, आधी से 1 चम्मच डाल दें। थोड़ा सा इसमें ऑरेंज रेड फूड कलर जाएगा, इससे बहुत अच्छा रेडिश कलर मिलेगा सिरका प्याज को। और ढाबे में कुछ इसी तरह से बनाकर तैयार करते हैं। अब इसमें हमने पानी भर दिया है, जो हमने गर्म करके ठंडा करके रखा था ना, वो हमने जार में इतना भर दिया है कि प्याज अच्छे से डूब जाए। इसको अच्छे से हिला लेंगे और इसको 24 घंटे के लिए या फिर 12 घंटे के लिए इस तरह से छोड़ देंगे। इसके बाद में आप इसको खा सकते हैं आराम से, 3 से 4 दिन तक एंजॉय कीजिए। तो कैसी लगी सिरका प्याज लिखकर जरूर बताएं, बनाने के बाद में फीडबैक जरूर दें। बाय बाय।